दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जो कि फ्यूचर में आकर हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी एकदम बेहतरीन नई सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 8, एटलस। दोस्तों आपने मूवीज में अक्सर ऐसे रोबोट्स को देखा होगा जो कि देखने में कुछ कुछ इंसानों की तरह लगते थे और उनकी एक्टिविटीज भी इंसानों से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन असल जिंदगी में क्या कुछ ऐसे रोबोट्स हैं? जो जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है और इस गैजेट को देखने के बाद आपको ये बात पर विश्वास भी हो जाएगा। बोस्टन डायनेमिक्स की तरफ से आने वाले इस ह्यूमनॉइड रोबोट की अगर हम बात करें तो ये रोबोट कुछ ऐसा ही होता है जो कि ठीक इंसानों की तरह ही एक्टिविटीज कर सकता है। इस रोबोट में 28 जॉइंट्स लगे होते हैं जहां पर हर जॉइंट में एक मोटर रहती है जो कि इंडिपेंडेंट मूव कर सकती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही एक्टिविटी कर पाएगा। वहीं दोस्तों ये जंप कर सकता है, अलग अलग तरीके के स्टंट्स कर सकता है और भी बहुत सारे कामों के लिए ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रहेगा। और हो सकता है आगे आने वाले समय में इस तरीके के रोबोट का इस्तेमाल कुछ ऐसी जगहों पर किया जाए जहां पर इंसानों का काम करना सेफ नहीं होता। तो आगे आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी सेफ बना देगी हमारे फ्यूचर को, तो इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके हमें जरूर से अपनी राय बताइएगा। नंबर 7, जेट सूट। दोस्तों आयरन मैन मूवी के अंदर आपने टोनी स्टार्क को हवा में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या वाकई इंसान का उड़ना इतना ज्यादा सहज होता है, वो भी ऐसे जैसा कि उस मूवी में दिखाया गया था? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के करिश्मे कुछ कम नहीं होते। तो दोस्तों इस गैजेट को देखने के बाद आपको इस बात पर विश्वास भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सूट होता है जिससे कि आम इंसान भी हवा में उड़ सकता है टोनी स्टार्क के जैसे। अगर बात करी जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे 5 जेट इंजन्स लगे होते हैं जो कि दो दो हाथों में लगे रहेंगे और एक बैक पर लगा रहता है, जिससे कि आपको सफिशियंट थ्रस्ट मिलता है हवा में उड़ने के लिए। इसके कंट्रोलर्स भी रहते हैं हाथ में, जिससे कि आप आसानी से इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों बड़ी ही कमाल की चीज रहती है, जिससे कि हवा में उड़ना काफी हद तक पॉसिबल हो जाएगा। इसकी स्पीड की बात करें तो इसे आप 50 माइल्स पर आवर तक की स्पीड में जो है हवा में उड़ सकते हैं, जो कि हो सकता है फ्यूचर में आपको एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी अवेलेबल कराए। तो दोस्तों कमेंट करके ये बताएगा कि आयरन मैन की तरह उड़ने वाला ये सूट आपको कैसा लगा है। नंबर 6, टेवा प्लांटर। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों प्लांट्स के खराब होने की दो वजह मेन रहती हैं। एक होती है कि अगर आप उसमें समय समय पर पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट सूख जाएगा, और एक है कि अगर आप उसमें ज्यादा पानी डाल देंगे यानी कि ओवर वाटरिंग करते हैं तो प्लांट सड़ जाता है। यानी कि ये दोनों ही वजह ऐसी होती है जो कि प्लांट को खराब कर देती है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा प्लांटर होता है जिसमें कि जब आप पेड़ लगाएंगे तो आपको वाटरिंग में काफी ज्यादा सुविधा रहेगी। दोस्तों इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं जो कि ओवर वाटरिंग को रोकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं प्लांट की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों जो इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं वो प्लांट को बेहतरीन ग्रिप देते हैं। तो अगर आप कोई एक ऐसा पेड़ लगाते हैं जो कि बेल वाला हो तो काफी बेहतरीन तरीके से ये इस प्लांटर के चारों तरफ लपेट जाता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं और प्लांट्स लगाते हैं शोपीस वाले, तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नंबर 5, मॉली रोबोटिक किचन। दोस्तों खाना बनाना ना सिर्फ एक काम होता है बल्कि एक आर्ट होती है, और टेस्टी खाना बनाना तो वाकई एक आर्ट होती है। हम में से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छी तरीके से खाना बनाना जानते हो। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है कि आपको अपने लिए स्वयं ही खाना बनाना है, तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों ये एक ऐसा सेटअप होता है जो कि आपके किचन में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और सारी चीज और सामान रखने के बाद इसमें जो प्रोग्रामेबल रोबोट्स होते हैं वो अपने काम को खूबी तरीके से करते हैं और आपके लिए खाना बनाएंगे। इसमें जो रोबोटिक हैंड्स होती हैं वो आपके लिए खाना बनाने का पूरा काम करेंगे। इन रोबोट्स को प्रोग्राम किया गया है लगभग 5000 डिशेस के लिए, यानी कि बस एक बार आपने फोन से इसमें डिश सेट कर दी कि आप क्या खाना चाहेंगे, जिसके बाद ये सारा का सारा काम खुद ही कर लेती हैं। ये किचन पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगा, यहाँ पर सामान निकालने रखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रोबोटिक हैंड्स स्वयं ही सामान निकालते हैं, क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और पूरा काम जो है ये खुद ब खुद करेंगे। बस आपको इनपुट देना है कि आप क्या खाना चाहते हैं आज लंच में। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा ऑटोमेटेड रहता है, जो कि गर्ल्स को खासा पसंद आएगा। नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस 2।
दोस्तों, आपने आयरन मैन मूवी के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से टोनी स्टार्क अपने सूट का थ्री डायमेंशनल मॉडल तैयार करता है, जो कि मूवी के अंदर देखने में काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगा था। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा वाकई कुछ पॉसिबल है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाले इस तरीके के होलोलेंस की मदद से। दोस्तों, इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके के होलोग्राफिक लेंसेज होते हैं, जिन्हें खास तौर पर होलोग्राफिक इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, जैसे ही आप इन्हें पहनते हैं तो आपको अपने सामने एक अलग ही लेवल की दुनिया नजर आएगी, यानी कि आप यहाँ पर 3D में काफी सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही उन्हें एडिट भी कर सकते हैं अपने हैंड जेस्चर से, यानी कि काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल होते हैं, जो कि चीजों को 3D में समझने के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। तो इस तरीके की चीजें डिजाइनिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, जिससे कि चीजों को बनाने से पहले हम उसका 3D में मॉडल देख सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी चीज को रियलिटी के साथ फील करना चाहते हैं तो होलोग्राफिक इमेज की मदद से आसानी से इस काम को किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है, जो कि आगे आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 3, स्पॉट। दोस्तों, सर्विलांस रोबोट्स का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी फैक्ट्री में सर्विलांस रोबोट की बात करें, तो हो सकता है जो मशीनें होती हैं उनकी देखरेख के लिए इस तरीके के रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता हो, यानी कि हो सकता है जो मशीनों का टेम्परेचर हो जहां पर वो रहती हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो, और ऐसे में इंसानों का जाना वहां पर संभव ना हो। लेकिन रोबोट्स तो इंसान होते नहीं है, तो वो इजिली कहीं भी जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो ऐसे में भी इस तरीके के रोबोट्स काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं, जिन्हें कि कहीं भी इजिली भेजा जा सके। तो दोस्तों, ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि बोस्टन डायनेमिक्स की तरफ से आता है और खास तौर पर जाना जाता है अपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे कि इस रोबोट को कहीं भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, इसे आप एक तरीके का रोबोट डॉग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चार पैरों पर चलता है और बड़ी ही आसानी से किसी भी तरीके की जगह पर जा सकता है। फिर वो चाहे उबड़ खाबड़ पतले रास्ते हो या फिर सीढ़ियां ही क्यों ना हो, वो बड़ी ही आसानी से कहीं भी अप्रोच कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके का रोबोट काफी ज्यादा बेहतर रहता है कुछ ऐसे कामों के लिए जहां पर इंसान का जाना सेफ नहीं रहता है। दोस्तों, इसमें आपको कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, आप जिस भी तरीके के काम में चाहें इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि 3D मैपिंग हो गया या फिर किसी जगह की निगरानी करने की बात हो, ये रोबोट हर तरीके से काम आएगा आपके लिए। नंबर 2, सैमसंग सेफ्टी ट्रक। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड खास तौर पर पॉपुलर है अपनी मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज या फिर होम अप्लायंसेस जैसी चीजों के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो ऐसे में सैमसंग का नाम शायद ही आपने कभी सुना हो। लेकिन दोस्तों, सैमसंग की तरफ से आने वाले इस ट्रक को देखकर आपको वाकई काफी ज्यादा अचंभा होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रक होता है जिसे कि खास तौर पर सैमसंग ने तैयार किया गया है और इसे एक सेफ्टी ट्रक का नाम दिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें आगे की तरफ एक वायरलेस कैमरा लगा होता है जो कि पूरी सिचुएशन को प्रोजेक्ट करता है पीछे लगी हुई डिस्प्ले पर, जिससे कि अगर आप पास लेना चाहते हैं या फिर ओवरटेक करना चाहते हैं इस ट्रक को, तो कहीं ना कहीं आपको आगे की तरफ की रोड का अंदाजा पहले ही लग जाएगा। तो काफी कमाल की चीज रहती है, जिससे कि सेफ्टी के लिहाज से ये चीज काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो सैमसंग का ये ट्रक काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है इस काम में। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएगा कि क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि सैमसंग मोबाइल फोन और होम अप्लायंसेस के साथ साथ ये ट्रक भी बनाता है। नंबर 1, इहैंग ड्रोन टैक्सी। दोस्तों, आपने कैब्स वगैरह तो यूज करी होंगी, जिन्हें कि आप अपने मोबाइल फोन के इशारे पर बुक करते हैं और जहां जाना होता है वहां पर ड्राइवर आपको लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द हो सकता है आपको कुछ ऐसी ड्रोन टैक्सी देखने को मिल जाए, जहां पर कार की जगह आपके लिए एक छोटा सा ऐसा ड्रोन हेलीकॉप्टर आए, जिसमें कि आप बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक जाएं। तो दोस्तों, बहुत सारे दुबई जैसे कंट्रीज इस तरीके के प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं, जहां पर वो ड्रोन टैक्सी के कॉन्सेप्ट को ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम होगा, जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन से ड्रोन टैक्सी को बुक करते हैं तो फौरन ये स्टेशन पर आती है, आप उसमें बैठते हैं और आपको इसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगा। ये खुद ब खुद अपने डेस्टिनेशन पर जाती है और वहाँ पर लैंड हो जाएगी जाकर। ये चीज काफी बेहतर रहेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिससे कि आप अपना बिना समय गवाए कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएगा कि आपको ये ड्रोन टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, और पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन से गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।